हेलो एंड वेलकम टू क्रेविंग्स कॉल। और आइए हम न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुकीज़ ट्रफल, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी हैं। खास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। की खास बात इसकी ये है कि ये अंदर से बहुत ही चॉकलेटी रहते हैं और एकदम मेल्ट इन माउथ वाले टेक्स्चर में रहते हैं। ये कभी अंदर से हार्ड नहीं होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ ओरियो कुकीज़ लिए हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 24 ओरियो कुकीज़ लिए हैं और 12 बर्बन बिस्किट्स। ओरियो बिस्किट्स और बर्बन बिस्किट्स दोनों मिक्स करने से थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है, थोड़ा और टेस्टी हो जाता है। इसे मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और इसे हमें ग्राइंड करना है बिल्कुल बारीक पाउडर में। लीजिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लीजिए। इसमें हम क्रीम चीज़ डालेंगे 225 ग्राम। मैंने यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ यूज़ करा है। अगर आपको ये आसपास नहीं मिलता, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अब हम इसे बीटर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप हैंड बीटर से भी, हाथ से भी इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से ये थोड़ा अच्छे से और थोड़ा जल्दी हो जाता है। हमें बेसिकली इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक तरह से ये बाइंड हो जाएगा। जैसे कोई आटा होता है तो उस तरीके से हमारा ये बाइंड हो जाएगा। लीजिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब हम इसके थोड़ा सा पोर्शन इसको हाथ में लेके इसकी बॉल्स बना लेंगे। साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वैसा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको राउंड बॉल्स ही बनानी है। आप अपने हिसाब से मोटी बॉल्स, छोटी बॉल्स या कोई भी शेप आप जीत देना चाहें वो आप कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इजी है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ 1 घंटा इसको फ्रिज में रखना है, सिर्फ इतनी ही देर इसको बनाने में चाहिए। इसके अलावा सिर्फ 10 मिनट्स और बनाने में लगते हैं इसे। देखिए, ये बॉल्स रेडी हैं और एक बैच में काफ़ी सारे ट्रफल्स हमारे बन जाते हैं। अब मैंने इस वाइट चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट कर ली है और उसको एक बाउल में रख लिया है। अब हमें एक एक करके ये बॉल्स इस मेल्टेड चॉकलेट में डिप करनी है, उसे पूरी तरह से कोट करना है और बस ये रेडी है। एक एक करके सारी बॉल्स मैंने यहाँ पे चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर ली है। थोड़ा हल्के हाथों से ही ये करें। अगर आपको कोई और चॉकलेट, डार्क चॉकलेट पसंद है, आप उससे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल्स डालेंगे। थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स हम स्प्रिंकल करेंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। और लीजिए, आपके डिलीशियस कुकीज़ ट्रफल्स रेडी हैं। आई एम श्योर आप ये बहुत पसंद करेंगे। और कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए है। आई थिंक हर उम्र के लोग इसे बहुत ही रिलिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रेविंग्स कॉल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।